छतरपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत 1 अगस्त को फरियादी के द्वारा 26 वर्षीय युवक शिवम मिश्रा का लापता होने का शिकायत दर्ज कराया गया था। बता दें कि एसपी अगम चयन के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया गया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए 3 अन्य लोगों के साथ हत्या की बात स्वीकार कर ली। वही पुलिस लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंगलवार को एसपी अगम चयन ने घटना का खुलासा किया। मुख्य आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि मृतक से पुराना विवाद चल रहा था, जिस कारण उसने योजनाबद्ध तरीके से साजिश रचते हुए युवक को मौत के घाट उतार दिया। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। है जो गुम हो गया है, उस आधार पर मिसिंग पर्सन रिपोर्ट कायम हुई थी। बाद में हमारी टीम के द्वारा परिस्थिति जन्य एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर जब पूछताछ की तो ये सामने आया कि 2 मुख्य आरोपी दिव्यांशु कालिया और राहुल विश्वकर्मा और उनके साथ में 2 अन्य आरोपी, इन लोगों ने मिलकर के पूर्व रंजिश के वश जो एक महिला को लेकर के दिव्यांशु और शिवम के बीच में थी उसको बुलाया फ़ोन लगा करके बहाने से, और उसके बाद में जब अपने यहाँ पर बुलाया तो उसको मार करके उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद में बॉडी और अन्य साक्ष्यों को छुपाने के कारण उन्होंने बॉडी को यहाँ से एक 4-व्हीलर गाड़ी में लेकर के करौली तरफ गए और वहाँ पर धसान नदी में उसे फेंक दिया। तो जब ये तथ्य सामने आए तो उसके बाद 3 दिन तक पुलिस की पूरी टीम SDRF की टीम के साथ में वहाँ पर लगी रही, करौली और उसके आसपास के 5-10 किलोमीटर के क्षेत्र में चेकिंग करती रही। पानी का बहाव ज़्यादा था, उफान भी ज़्यादा था, ऐसे में भी परेशानी के बावजूद चेकिंग की और 3 दिन के बाद में शव को बरामद किया। उसके बाद पूर्ण रूप से घटनाक्रम का खुलासा हुआ और इसमें वर्तमान में राहुल विश्वकर्मा जिसको पहले से अरेस्ट किया गया था उसे PR पे लिया गया है, पूरी जांच की जा रही है, और दिव्यांशु पालिया जो मुख्य आरोपी जो इसमें झगड़ा भी जिसका था, पुरानी रंजिश थी, उसे भी आज अरेस्ट किया गया है। अग्रिम इसमें जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे या अन्य विषय भी सामने आएंगे तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।